बालाकैंट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कसा है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। अभी तो इनकी कसम कस चल रही है और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि राहुल गांधी ने खुद आप पार्टी से कहा है कि भी हमें कुछ उम्मीदवार दे दो, तो इनके पास उम्मीदवारों की कमी है इसलिए बाहर से ले रही। देखिए लड़े तो लड़े, अधिकार है, उनको अपनी हैसियत भी पता लग जाएगी। लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने अपनी पहली, और उसमें कई दागी लोगों के नाम भी जारी किए। एक तो व्यक्ति जेल में है, उसके भी नाम जारी किए। इससे कांग्रेस की पसंद नापसंद का पता लगता है, कांग्रेस को क्या पसंद है। और कांग्रेस के तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की, जिनकी कल लिस्ट में नाम है, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। और अभी उनके केस से संबंधित 834 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। तो अब लोगों लोग समझ लें कि कैसे लोग आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से।